भारी बारिश इस राज्य में मचा सकता है तबाही। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जिसे देख लोग रह गए था। मॉनसून का इंतजार कर रहे लोगों ने कहा, आ गई आफत। इस राज्य में हर तरफ दिख सकता है पानी ही पानी। देश के कई राज्यों में मॉनसून का आगमन हो चुका है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अभी भी मॉनसून का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 23 जून को पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में लू चलने की आशंका है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि दिल्ली में शनिवार को कुछ जगह आंशिक रूप से बादल छाए हैं। वहीं कुछ स्थानों पर हुई हल्की बारिश ने दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिली है और लोगों को हीटवेव से राहत मिली। कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बूंदाबूंदी भी हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विंदर, मराठवाड़ा, कोकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, दक्षिणी गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी गुजरात, पूर्वी राजस्थान, सिक्किम, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में हल्की सी मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाकों, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चल सकती है और इसके बाद उसमें कमी आ सकती है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तरी बंगाल की खाड़ी, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है।